हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर हम 41 से डिस्कशन करेंगे। इस सेशन आपको जो है पांचवा सेशन है, फोर्थ सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ से पिछले सेशन यदि आप देखिएगा तो पिछले सेशन में हम डिस्कशन किए आपको ऑब्जेक्टिव का जो टाइप है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना आपको 30 से लेकर 40 तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं पिछले में, यानी कि 1 से 10 फर्स्ट पार्ट था आपको फर्स्ट लेक्चर, और 11 से आपको 20 तक सेकेंड लेक्चर है, और 21 से लेकर 30 तक जो है आपको थर्ड लेक्चर है, और 31 से लेकर 40 तक आपको फोर्थ लेक्चर। जो हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं 4 लेक्चर, ये आपका पांचवा लेक्चर ऑब्जेक्टिव का सेशन ये 5 चल रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो है एक थैले में आपको 4 सफ़ेद गेंद, 6 लाल और 7 काली और 3 जो है नीली गेंद आपको दिख रहा होगा, और एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है। यादृच्छ मतलब होता है रैंडमली, बिना देखे हुए। क्या होता है? रैंडमली होता है, बिना देखे हुए जो है आप इसको निकाल रहे हैं। इसके सफ़ेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सफ़ेद होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको ज्ञात करना है। जो ऑप्शन ए आपको दिया है 1/20, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2/5, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 3/20, और डी ऑप्शन दिया है 1/5। तो इसमें से आपको निकालना है जो इसमें राइट आंसर दिया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपको 41 है, 42 यहाँ 50 तक हम डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड में। आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। जो आप देख रहे हैं वीडियो को, वीडियो को पॉज करके अपने इसमें बनाइएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं क्या है, और प्रोबेबिलिटी का जो है ना मेन, जो आप किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होता है। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं तो कुल परिणाम जो है नीचे आता है, और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे आपको कुल परिणाम दिया जाता है। यदि आपको हम इसका सूत्र लिखना चाहेंगे किसी भी प्रोबेबिलिटी का, यदि आप निकालना चाहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रायिकता फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना रहता है। मान लीजिए प्रायिकता आप निकाल रहे हैं यानी कि पी, तो पी बराबर फार्मूला आपको याद रखना है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, इस फार्मूला से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें होता है कि कुल अनुकूल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि जिस घटना में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और बटे होता है आपको कुल परिणाम। बटे क्या होता है? कुल परिणाम आपको होता है, बटे क्या हो जाता है? कुल परिणाम हो जाता है। तो ये आपको हो जाता है पी, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। समझ रहे हो? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी मेथड से हम यहाँ पे करेंगे। कुल परिणाम यानी कि टोटल जो है घटना हम फाइंड आउट करेंगे पहले क्या होता है। तो यहाँ देखिए 6-4 आपको सफ़ेद गेंद है, लाल जो है 6 गेंद है, और काली जो है 7 गेंद है, और नीली जो है 3 गेंद है। टोटल गेंद को ऐड कीजिएगा तो 7, 3, 10, 6, 16, 4, 20, यानी कि कुल परिणाम जो है आपको 20 है। और आपको सफ़ेद का पूछा है, किसका पूछा है? सफ़ेद का। क्वेश्चन देखिए, इसमें से एक गेंद आपको निकाला जा रहा है थैला में से, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है जो वो गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। सफ़ेद होने का आपको परिणाम कितना दिया? अनुकूल परिणाम की संख्या 4 है। तो फॉर्मूला जैसे अनुकूल परिणाम आपको ऊपर रखना है 4, और नीचे में आपको 20 आएगा, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 1/5। ये ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलेगा। समझ गए क्वेश्चन को क्या करना है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिंपल है। यदि आपको पूछ रहा है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो आपको अनुकूल परिणाम निकल रहा है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको ऊपर में देंगे, यानी कि अंश में देना है, और हर जो होता है कुल परिणाम होता है, टोटल जो घटना करता है उसको हम हर में रखते हैं। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, यानी कि 42 में देखिए आपको साइन थीटा बराबर ए बटे बी दिया हुआ है, कॉस थीटा आपको क्या होगा। आप साइन थीटा का फॉर्मूला यदि बेसिक आप पढ़े होंगे 8.1 में, तो इसमें क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब को आप यहाँ पे पी कर सकते हैं, और कर्ण को आपको एच लिखना है। इसमें आपको बी फाइंड आउट करना था। तीन चीज मेन होता है आपको, एक होता है आपको पी, एक होता है बी, और एक एच होता है। ये आपको लंब होता है, ये जो है आपको लंब हो जाता है, ये आपको क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, और ये आपको क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपको लंब, आधार, और ये कर्ण होता है। तो आधार जब आप निकालिएगा आधार बराबर, तो क्या होता है? आधार का फॉर्मूला आप लोगों को जानते होंगे, आधार बराबर होता है आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है रूट अंडर। तो ये फॉर्मूला आपको हम साइड में जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव को बनाने में, वो फॉर्मूला हम साइड में लिखते जा रहे हैं, उसको आपको लोगों को नोट डाउन करते जाना है, जो आपको नोट से तैयार होते हैं। और इसका जो मेन जो भी एक वीडियो हम कंटेंट करेंगे जिसमें आपको सिर्फ डिप जो है आपको जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम डिस्कशन कर देंगे। तो यहाँ आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का देखिए मान आपको ये जो ऊपर में दिया हुआ है पी, यहाँ पे देखिए आपको साइन थीटा बराबर जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बटे बी दिया हुआ है। ए हो गया आपको पी,
बी जो हो गया आपको एच हो गया था, बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे आपको बी जो दिया हुआ एच हुआ, तो एच का मान क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस आपको ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी का मान आपको निकल गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब जो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है आपको बी बटे एच होता है, तो ये जो बी बटे एच होता है एच का मान तो आपको बी है ऑलरेडी, तो बी का मान जो आपको रूट अंडर क्या आया है, रूट अंडर आ गया है आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है डिवाइड बाय एच का मान आपको क्या दिया हुआ है, एच का मान आपको बी दिया होता है, ये देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी, तो डिवाइड बाय बी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऊपर में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, सब में जो है बेसिक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, जो भी आपको लॉजिकल ट्रिक या कह सकते हो या इसमें जो भी फॉर्मूला है वो आपको हम साइड में लिखते हुए जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करके एक नोट्स बना सकते हैं, राइट नोट डाउन करके याद जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 42, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपको 43 देखिए आपको क्या कर रहा है, 43 कर रहा है त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज बना हुआ है, एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ देखिए आपको ए हो गया यहाँ पे, ये हो गया बी और यहाँ पे सी हो गया, इसमें आपको एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सी पर 90 है, यहाँ पे कोण देखिए यहाँ पे 90 दिया है, ये कोण कितना है आपको 90 दिया हुआ है, तो कोण जो है आपको ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, कोण सी बराबर 90 है, तो कॉस ए प्लस बी का मान मांग रहा है, कॉस ए प्लस बी का मान यदि आपको मांग रहा है तो कॉस ए प्लस बी का मान आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, इसमें देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यदि आप लगाइएगा तो ए का मान और बी मालूम होना चाहिए, ए और बी मालूम होगा उसके बाद ही ना आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए कौन सी यदि 90 आपको दिया हुआ है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ए को यदि हम थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री या माइनस थीटा होगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, समझ रहे बात को, क्योंकि आपको यदि एक कोण समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको 90 हो गया, बाकी जो बचा हुआ दो कोण है उसी का योग पूछ रहा है, समझ रहे बात को, क्योंकि आपको तीनों त्रिभुज का जानते होंगे, आपको समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों कोण का मान क्या होता है, तीनों कोण का योग आपको 180 डिग्री होता है, होता है ना, यानी कि कोण ए जोर कोण बी जोर कौन सी बराबर आपको क्या हो जाता है 180 डिग्री, ये आप लोग जानते होंगे, और कौन सी ऑलरेडी 90 दिया हुआ है तो ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा 90 आएगा, तो इसको हम यदि थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को योग करेंगे तो 90 बच जाएगा, इसमें देखिए आपको कॉस यहाँ पे एक को थीटा यदि हम ए को मान लिए हैं प्लस बी को आपको 90 डिग्री या माइनस थीटा माने हैं, इसमें क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बजेगा आपको कॉस 90 डिग्री बजेगा, कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान आपको साइन 0 0 होता है, तो कॉस 90 जो है आपको क्या आ जाएगा, कॉस 90 भी आपको 0 आएगा, तो ये भी मान आपको क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर या ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि कॉस 0 का मान जो है आपको कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान आपको याद रखना है क्या होता है 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 90 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ रहे क्वेश्चन को, समझे कि नहीं, यदि कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए आपको सी नहीं है कुछ, यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होगा शायद यहाँ पे कुछ स्प्रिंट है टाइपिंग में, यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, ये जो है आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये यूनिट आपको 8.4 यदि आप निकालते हैं सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, 8.4 का क्वेश्चन नंबर यदि आपको 5 का ए नंबर देखिएगा तो इसमें सेम क्वेश्चन ये से रिलेटेड मिल जाएगा आपको, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, वहाँ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा था, टेन थीटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, इसको ये सॉल्व करते हैं तो इस पर बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें से कौन सा बाहर आया ऑप्शन वो आप मिला लीजिएगा, यहाँ देखिए कॉस थीटा को यदि हम हल करते हैं कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम यानी कि 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक 1/sin थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा को क्या लिखिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखिएगा, क्या लिखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ था एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में आप क्या कर सकते हैं यहाँ आ जाएगा आपको, इसको हम निशान लिखते हैं यहाँ पे देखिए नीचे आपको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा इधर, यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है क्या, इसमें देखिए आपको दिया हुआ है
ऑप्शन आ जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना, वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपको वन प्लस कॉस थीटा, दो बार लिख दिए क्योंकि वन माइनस माइनस ही में आएगा, दो बार माइनस में लिखा हुआ है, डिवाइड किससे करना है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको कहाँ से लिखें, एक फार्मूला आपको यहाँ हम लिखते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस जो होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ से आप जो है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये टूट जाएगा, तो ये जो टूटेगा तो आपको वन माइनस कॉस थीटा हो गया, और दूसरा आ जाएगा आपको वन माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब जो हम डिवाइड करेंगे इसको, इन दोनों को हम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, एक बार हम प्लस में इसको लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा आपको वन माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा प्लस वन बटा कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह का तरीका से हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया हो रहा है उसको सॉल्व करके उसके बाद जो आंसर आएगा उसको टिक करना है, ये नहीं जो आप जो एबीसीडी जो आपको हो रहा है वो आप कीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपको 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपको कह रहा है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये आपका मान रखकर भी बना सकते हैं और ये आपको 11th में जो फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूला से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको कॉस ए माइनस बी का जो है ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, कॉस ए माइनस बी का जो लिखिए हैं तो ये आ जाता है आपको कॉस ए इंटू कॉस बी आता है, माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, तो ये आ जाता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है, तो कॉस आपको कॉस 30 का मान आपको निकालना है, क्या निकालना है, कॉस 30 का मान जो आप निकालिएगा तो कॉस 30 का मान क्या होगा, जैसे साइन 30 का मान आपको क्या हो जाता है, आपको साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन ये जो अपोजिट हो जाता है इसमें आपको क्या करना है, साइन यदि आपको कॉस 30 का मान यदि अप्लाई करना है तो कॉस 30 का जो अप्लाई करते हैं 90 का मान आएगा, यहाँ देखिए कॉस ए माइनस वाला नहीं है यहाँ पे प्लस का मान है, यानी कि प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, ये यहाँ पे प्लस आएगा दिया जाएगा आपको 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान आपको आ जाता है, यानी कि साइन यदि आप जीरो निकालते हैं साइन जीरो का मान जीरो आएगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा आपको, साइन 90 हो जाएगा आपको वन, सेम इसी को अपोजिट करना है, कॉस यदि आपको जीरो पूछ रहा है तो कॉस जीरो मान वन आएगा, और कॉस 90 यदि आपको पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा जीरो होगा, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, ये जीरो होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर ए आ जाएगा। या डायरेक्ट मान यदि आपका कॉस 60 का मान रखिए तो कॉस 60 का मान क्या होगा, जो आपको साइन 30 का मान हो रहा है वो आपको 60 में जाएगा, तो यह आ जाएगा आपको 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 का यदि आप जो पूछ रहे थे साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का ना मान पूछ रहा था, कॉस 60 का मान कॉस 30 के बराबर था, और कॉस 30 का जो साइन आपको कितना का हो रहा है, साइन जो आपको 60 का और वो 30 का आएगा, तो साइन √3/2 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इधर देखिए साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या हो जाता है, √3/2 होता है, हम मल्टीप्लाई साइन 30/2, यहाँ देखिए आपको आ जाता है √3/4, इसको हल कीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा, √3/4, अब माइनस यहाँ आ जाएगा √3/4, दोनों कट के क्या मान आ गया, जीरो आ गया। इस तरीका से आप या तो डायरेक्ट ए प्लस बी के फॉर्मूला जो कॉस ए प्लस बी का जो होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसका मान भी रखिएगा तो आपको मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ये आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यह दो नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन और शॉर्ट क्वेश्चन वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये था क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 46। 46 से देखिए आपको क्या कर रहा है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ए भी एक मीनार है, ए और बी ए क्या होगा मीनार हो गया, और मीनार से 100 मीटर स्थित दूर
उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से 100 मीटर का ये आपको दिया हुआ है, ये जो आपको कितना उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है आपको एंगल 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ये आपको हाइट पूछ रहा है, ये जो मीनार दिया हुआ है इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है। कोई यूनिट आपको यदि पढ़े होंगे तो यूनिट ये सवाल आपको 9 में मिलेगा, किस में मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 9 यूनिट पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, इसके ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको, देखिए लंब आधार मांग रहा है, आधार दिया हुआ है, लंब आपको मांग रहा है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे जो आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो इसीलिए लगाएंगे हम टेन थीटा, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 60 डिग्री होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, लंब का मान तो हमको निकालना है, लंब ही क्योंकि हाइट मांग रहा है, हाइट को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बटे आधार आपको 10 दिया हुआ है, और टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है, क्योंकि टेन यदि आपको 30 से हम याद करवा देते हैं, टोटल टेन 30 का मान देखिए 1/√3 होता है, तो टेन देखिएगा आपको 0 डिग्री होता है, उसके बाद आपको 30 होता है, 60 होता है, उसके बाद आपको क्या होता है, बीच में 45 आता है, 45 आएगा 60, तो 30 45 60 को ऐसे याद रखना है, टेन 30 का मान 1/√3, तो टेन 45 का ऊपर वाला मान हो जाता है, ये जो मान ऊपर वाला है 45 हो जाएगा, ये मान 60 जो है आपको यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 जो है टेन किसका मान, यहाँ पे 60 का मांग रहता है, टेन 60 का मान √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना मान आ जाएगा, ये 100 मीटर दिया हुआ था, 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 रहता है, बट में हम 1 मानते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा मान, 100√3 आ जाएगा, तो इसको 100√3 ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, इसका ऊंचाई का मान क्या हो गया 100√3, तो सेम इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये यूनिट आपको देखना है तो इसी चैनल पर जाइएगा, आप यूनिट 9 का टोटल ऑब्जेक्टिव जो भी एनसीईआरटी का उस ऑब्जेक्टिव जो है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, कब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 या 46 नंबर का। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर आपको 45 दिया हुआ है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान आपको साइन अल्फा और बीटा दोनों दिया होता है, साइन दोनों को ऐड कर दीजिए, 45 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, सिंपल क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, समझ रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी पर भी तोड़िएगा तो वो भी मान आपको आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो आपको 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए आपको क्या करना है, √2 / √2 साइन ए दिया हुआ है, तो ए का मान आपको पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, √2 आपको दिया हुआ है 2 sin a, तो इसको हम सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, तो 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, √2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको साइन, इसको काटिएगा तो यहाँ से 1/√2 आएगा, यानी कि 1/√2 आ गया ए, यानी कि साइन कितना का मान आपको 1/√2 होता था, साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा साइन 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है यानी कि ए है, तो ए दे देते तो साइन साइन कट जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री, सिंपल लॉजिक से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे बात को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपको क्या, 10.6 डिग्री और कॉट जो है 64 डिग्री, जस्ट जो है पिछले वीडियो या लेक्चर देखे होंगे आपको, ये सेशन जो आपको तो पांचवा सेशन चल रहा है, फोर्थ सेशन यदि देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे जो टेन जो है कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट, या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन आपको 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 4060 डिग्री, तो ये आ जाता है आपको कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा 46 डिग्री, इसको यदि आप बनाते हैं तो टेन जो आ जाएगा आपको 10.6 डिग्री आ जाएगा और इधर आपको आ जाएगा कॉट 46 डिग्री, तो इसको यदि आप 46 डिग्री यहाँ भी आ जाएगा आपको, तो ये यहाँ पे ना इसको 10.90 में थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा, तो टेन जो है कॉट में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपको कॉट आ जाएगा 64 डिग्री, तो कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री काटिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीका से लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आपको 50 क्वेश्चन आ जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 42 सेंटीमीटर एक वृत्त दिया हुआ है, इसका परिधि यानी कि 2 π r = आपको क्या दिया 42 सेंटीमीटर व्यास वाला,
यानी कि व्यास का मान यहाँ से यहाँ तक जो मान क्या होता है, व्यास होता है, ये आधा इसका क्या हो जाता है, त्रिज्या होता है, टोटल आपको क्या हो जाएगा व्यास, यानी कि व्यास का मान यदि डी बराबर आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 42/2 यानी कि आपको 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो परिधि जो हम निकालेंगे तो परिधि बराबर क्या होता है, फार्मूला वृत्त का परिधि बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 आर का मान क्या निकाले 21, इसको कट कर दीजिए 7 × 21 / 22 / 66 मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा 2 से, तो 6 × 12 × 12 = 13 वो 132 सेंटीमीटर इसका परिधि हो जाएगा, तो परिधि का मान क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। जो भी चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस का ये सीरीज आपको लगातार चलते रहेगा। 100 स्लाइड यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं और इस सीरीज को लगातार आप देखते रहिए। इसमें टोटल फुल्ली लगभग जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए बिहार बोर्ड आपको बना के देगा, उसे उसी तरीका से यहाँ डिजाइन किया गया है। आप लोग इससे जुड़िए और पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।